स्वागत है आपके चैनल में लेजेंड स्टॉक हट। आज हम फोर स्टॉक बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स देखने वाले हैं, जो कि फोर स्टॉक रहने वाले हैं और उसमें से टॉप टू स्टॉक आपको लास्ट में पता चलेगा। फर्स्ट हम नॉर्मल टू स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद जो टॉप टू स्टॉक रहेगी वो लास्ट में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट कर दीजिए। फर्स्ट हमारा स्टॉक है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। आप देख सकते हो पिछले इसने मोमेंटम भी बहुत अच्छी दी है। लगभग वेट 2019 में 217 था, 70 पे ट्रेड कर रहा था और इस समय 861 पे ट्रेड कर रहा है। इसके हम अभी मेजर्स बाइंग जोन्स और सेलिंग जोन्स देख लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं और कौन सी बेस्ट प्राइस होगी इसकी इन्वेस्टमेंट की, आज हम इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है अपसाइड से डाउन साइड में आते हुए, फर्स्ट हमने वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर दिए, आप देख सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से स्टॉक ने फॉलो किया है इस जोन पे और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। बट यहाँ पे एक अभी पुल बैक एंट्री टाइप दिख रही है, अगर आप चाहो तो इस जोन पे भी आप बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है और इट इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, ये बात आपको याद रखनी है। अभी हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एक बार मैं इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, अभी अच्छे से दिख रहा होगा आपको चार्ट। अभी मेजर अपसाइड जोन यही रहेगा हमारे लिए 896 का एक मेजर जोन रहेगा और डाउन साइड में हमारा मेजर जोन रहेगा जो कि होगा 855 के आसपास है हमारा डाउन साइड में मेजर जोन होगा। अभी देखते हैं कि बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है हमारे लिए। बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है, इधर एक मिनट ट्रेंड लाइन आ रही है, अच्छा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस, आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी, आप वो देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट ट्रेंड लाइन बिट चुकी है इस जोन पे। अगर इस जोन पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, अगर इन दोनों में से दोनों का कंफर्मेशन आता है तो आप ऊपर के साइड में अप साइड में से रिवर्सल ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि हमें कंफर्मेशन टू टाइप के, एक सपोर्ट जोन, आप इस जोन को देख सकते हो, एक सपोर्ट जोन है और एक ट्रेंड लाइन जोन है। अभी इस जोन पे सपोर्ट जोन के तरफ रिवर्सल प्लानिंग के लिए, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न या तो कौन से भी वी पैटर्न रिवर्सल पैटर्न जो भी बनेंगे आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हो इस स्टॉक में, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अगर आपको इसके फंडामेंटल्स भी वीडियो में इंक्लूड चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दो कि इनके फंडामेंटल्स भी बताएं, और ये सबके सब बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है। बट अभी इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स कवर नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल देखेंगे, और इसकी बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है इस जोन के आसपास ही, अगर इस जोन पे सस्टेन हो जाता है तो। अगर इस जोन पे सस्टेन नहीं होता है तो हमारी सेकेंड बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है इस जोन के आसपास, अगर ये 830 के आसपास हमारी बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है। अगर ये सस्टेन हो गया नहीं हुआ तो, मतलब इसने इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया और इस जोन के आसपास इसका बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है फिर सेकेंड। बट अभी के लिए तो ये अगर सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से ही रिवर्स हो गया तो 861 के आसपास हमारी बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है रिवर्सल ट्रेड के साथ, प्लानिंग के साथ। अभी हम अपना अगला आने वाले स्टॉक देख लेते हैं, हमारा सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं। अभी हमने सेकेंड स्टॉक लगा दिया है, हमारा सेकेंड स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज सॉल्यूशन लिमिटेड, ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अगर आप इसका चार्ट देखो तो ये देखो कितना अच्छा चार्ट है, लगभग 2021 में 64 का था और अब ये ट्रेड कर रहा है 576 पे, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अभी ये मतलब हायर हाई ब्रेकआउट दे सकता है और कौन सी पुल बैक एंट्री भी आ सकती है 15 मिनट्स में पुल बैक एंट्री भी आ सकती है। अभी इसकी बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है, फर्स्ट हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। मेजर सपोर्ट जोन तो रेजिस्टेंस जोन तो ये अप वाला रहेगा, और मेजर सपोर्ट जोन अगर आप मार्क करना चाहो तो ये जोन आप मार्क कर सकते हो, इस जोन के आसपास मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है। अभी हम इसको 15 मिनट्स के अंडर फ्रेम में कर रहे थे, उससे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ भी ब्रेकआउट, मतलब ट्रेंड लाइन भी इसने बहुत अच्छे से फॉलो की है। अगर ये पुल बैक आता है तो ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन और सपोर्ट जोन का कंफर्मेशन है दोनों के साथ हम ट्रेड कर सकते हो। बट अभी हम देख लेते हैं 15 मिनट्स में मेजर इसकी बाइंग जोन कौन सी अच्छी हो सकती है। ये देखो 15 मिनट्स में आपको अच्छे से दिख रहा होगा चार्ट, और 15 मिनट्स में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न के साथ जाता है तो ये ब्रेकआउट भी दे सकता है यहाँ पे, जैसे कि हायर हाई बनाते जा रहे हैं पैटर्न, इसलिए आप एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ ये अब भी जा सकता है। और इसकी बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है, ये बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे, या तो पुल बैक एंट्री दे या तो ब्रेकआउट एंट्री दे, बट बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है 584 के आगे, मतलब अब में ही आप इसका बाइंग प्राइस देख सकते हो।
अभी हमने इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिए, और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इस सेगमेंट के अंदर, और इसका चार्ट देखे तो बहुत ही अच्छा चार्ट चल रहा है इसका। अभी इसके हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो आप मेजर जोन रख सकते हो, ये अपसाइड का आप मेजर जोन पकड़ सकते हो हायर आए, और लो का आप रेजिस्टेंस जोन इस जोन के आसपास पकड़ सकते हो आप। अभी इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें मेजर जोन दिख रहा है। अभी इसको हम एक बार सपोर्ट जोन के मतलब ट्रेंड लाइन के मदद से खींच लेते, अभी हम ट्रेंड लाइन से एक अच्छा सा ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहो। इसने इस जोन के आसपास सस्टेन हो गया, या तो आप देख सकते हो आप एक जोन है सपोर्ट जोन, इस जोन के आसपास भी बाइंग प्राइस बहुत अच्छी हो सकती है। अगर ये सस्टेन होता है मार्केट इस जोन के आसपास, तो आप इस जोन के आसपास भी बेस्ट बाइंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इस जोन के आसपास ये सस्टेन होता है तो आप ऐसे रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकते हो, बट यहाँ पे एक सस्टेन नहीं हुआ स्टॉक, तो आप इस जोन के आसपास भी सपोर्ट जोन के आसपास भी बाइंग का प्लान कर सकते हो और रिवर्स ट्रेड का प्लान कर सकते हो, और फर्स्ट टारगेट आप 5560 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, और इट इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, ये बात आपको याद रखना है। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, और देखते फर्स्ट सपोर्ट जोन के आसपास आया तो बहुत अच्छा, और मार्केट इस समय चालू है तभी शूट कर रहा हूँ वीडियो। अभी अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है हमारा। अभी नेक्स्ट स्टॉक है SIEM सीमेंस लिमिटेड, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अभी देख लेते हैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर कौन से हो सकते हैं और बेस्ट बाइंग प्राइस भी कौन सी हो सकती है। इसकी भी बेस्ट बाइंग प्राइस आप देख सकते हो ब्रेकआउट पे, अच्छी सी इसकी बाइंग प्राइस हो सकती है, बट इसमें आप रिवर्सल ट्रेड की भी प्लानिंग कर सकते हो, जैसे कि एक इसके मेजर सपोर्ट जोन के आसपास आप देख सकते हो। इसका चार्ट अगर देखे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी इसमें इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे 15 मिनट्स में एम पैटर्न बन गया, तो ये डाउन साइड में भी आ सकता है। अगर डाउन साइड में आया तो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो, और यहाँ से रिवर्स हो गया तो आप फर्स्ट टारगेट ही रख सकते हो, बट अगर इस जोन से रिवर्स नहीं हुआ, एम पैटर्न अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ, इस जोन पे आके सपोर्ट ले लिया, तो आप बेस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो इसमें, और इसका फर्स्ट टारगेट आप ही रख सकते हो। अगर इसने इस जोन पे पुल बैक एंट्री मतलब ऐसे पुल बैक एंट्री देके डब्ल्यू पैटर्न बन के यहाँ से ऊपर गया, तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसलिए पुल बैक एंट्री या कौन सी भी एंट्री आप ले सकते हो। और आज अभी तक मैंने 4 स्टॉक बताया सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पे मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दिया, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन और बेस्ट बाइंग प्राइस बताई। इसकी भी बेस्ट बाइंग प्राइस है, नहीं तो ये जोन, नहीं तो ये जोन, ये तीन जोन। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट कर दीजिए। बाय बाय।